हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग वेट कर रहे थे कि कब सऊदी गवर्नमेंट हमारे वीज़े 31 अगस्त तक एक्सटेंड करेगी, तो उनका वेट आज से थोड़ा सा और बढ़ गया है, यानी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा बढ़ गया है। 31 अगस्त तक अगर वीज़े अभी एक्सटेंड हो भी जाते आज की डेट में, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि आपको 14 दिन किसी और दूसरी कंट्री में स्टे करके फिर आप सऊदी आने की प्लानिंग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके वीज़े में टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने फिर से एक और नया ऐलान कर दिया है, एक और नई तारीख दे दी है कि आपके वीज़े अब हम इस डेट तक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि कब तक के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, और साथ में आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपनी वीडियो में आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था कि जरूर कुछ ना कुछ सऊदी गवर्नमेंट इसके पीछे नई प्लानिंग कर रही है, नई डेट जरूर फिक्स कर रही है जो वीज़े एक्सटेंड करने की वो रखेगी। और फाइनली वो डेट आ चुकी है, सऊदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि 30 सितंबर तक हम सऊदी फैमिली विजिट वीज़े, रेजिडेंस वीज़े, यानी कि जो लोग छुट्टी गए हैं उनके वीज़े सब 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर देंगे। और अब की बार में जैसे अगस्त में वीज़े आपके एक्सटेंड नहीं हुए थे, अब की बार में उम्मीद है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जब सऊदी गवर्नमेंट वीज़े एक्सटेंड करेगी तो वो होंगे, डेफिनेटली होंगे। और क्योंकि इसमें काफ़ी सारा टाइम है, वो जो पहले अनाउंस किया था वो बहुत जल्दी में किया था और वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाए थे, लेकिन जो अनाउंस पहली बार ही कर दिया था उसकी तैयारी अभी फ़िलहाल हो चुकी थी। और अब डेट भी दे दी है, तकरीबन अभी आपके पास में 1.5 महीने का टाइम है, तो 1.5 महीने से पहले ही सबके वीज़ा एक्सटेंड हो जाएंगे। और पूरे चांसेस हैं, पूरी उम्मीद है कि अब की बार फ्लाइटें भी ओपन हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा गैप बीच में है 1.5 महीने का। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि साबिर भाई 1.5 महीना क्या है, यहाँ तो 1.5-2 साल के आसपास में हो गया है ट्रैवलिंग बैन चलते हुए। लेकिन सारी चीज़ों को अगर आप कंसीडर करेंगे, जैसे कि कतर ने ओपन किया हुआ, मालदीप ने ओपन किया हुआ है, कुवैत का ओपन है, बाकी और अदर कंट्रियों ने भी फ्लाइटें ओपन की हुई है, तो इस चीज़ को जैसे दुबई ने भी अपने रेजिडेंस के लिए ओपन किया हुआ है, बहरीन ने तो काफ़ी टाइम से अपने रेजिडेंस के लिए ओपन किया हुआ है, तो सऊदी भी अब की बार फाइनली अपने रेजिडेंस के लिए फ्लाइटें ओपन जरूर करेगा, भले ही उसमें विजिट वीजा को वो इंक्लूड ना करें, लेकिन जो रेजिडेंस है, जो लोग छुट्टी गए हुए हैं, उनका वीजा जरूर एक्सटेंड होगा, उनके लिए फ्लाइटें भी ओपन हो जाएंगी। जल्दी ही आने वाले जो हफ्ते हैं, जो दिन हैं, उनमें नई नई अपडेट आना स्टार्ट होंगी और फ्लाइटें जल्दी ही ओपन हो जाएंगी, इंशाल्लाह हम ये पूरी उम्मीद करते हैं। तो बस इस वीडियो में यही एक अपडेट थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और लोगों तक भी ये अपडेट पहुँच सके। और दूसरी बात यह है कि इस जो न्यूज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सऊदी गैजेट पर जाकर के आप इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।